के बाद आप तक हम आपकी तवज्जो से बलूचिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी अवाम और दुनिया की तमाम जमहूरियत पसंद लोगों तक पहुँचाएँ। पहली बात तो यह है कि आपको एक चीज़ का तो पता है कि हम बलूचिस्तान नेशनल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इत्यादी था और दो साल मुतवातिर उनके साथ रहने के बाद जब इत्तेहाद से हम अलग हुए और अलग होने की बुनियादी वजूहात ये थे कि हमारे जितने भी पॉइंट्स थे जिन्हें 6 पॉइंट हम कहते थे एक लिहाज से और दूसरे 9 पॉइंट्स, जब इन्हें ऑनर नहीं किया गया, इन पे अमल दरामद ही नहीं हुआ तो हमें अपनी राय अलग करनी पड़ी। और राय अलग करने का बुनियादी मतलब ये था कि ज़ाहिर हमने किसी के साथ मिल के सवाब तो लेना नहीं था, हमने अहले बलूचिस्तान के बुनियादी ज़रूरियात उनकी जो है ना मुतालबात पेश किए थे जिन पे अमल दरामद वो कर न सके। तो ज़ाहिर जब उन्होंने इस पे अमल दरामद नहीं किया तो यकीनन हमने अपनी राय अलग करवा दी। तो राय अलग करने के बाद तो आपको एक चीज़ का अंदाज़ा होता होगा कि सियासी जमातें अपनी राय चुनती हैं, अपना रास्ता ले लेती हैं, नए इत्तेहाद में शामिल हो जाते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में जो है ना पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो बना तो उसका एक हिस्सा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी भी बनी और नहायत ही अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए हमने शुरू से और हमारे पार्टी के कायद ने ये कोशिश की कि बलूचिस्तान के जुमला जितने भी जो है ना मुतालबात अजल से थे या कुछ अरसे पहले से जो चीज़ें हम अक्सर महसूस किया करते थे या हमारे अवाम तकलीफ़ में थे उसे पाकिस्तानी अवाम तक हम पेश कर सकें। तो मुख्तलिफ जलसों में पार्टी के सदर ने नहायती एहसन तरीके से अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए बलूचिस्तान के मसाइल को उजागर किया और ये गिले तो मेरे ख़्याल में आज के नहीं है, 70 सालों से महरूमी और महकूमी जो हमें मिली है उसका तो मेरे ख़्याल में हम बांगे दोहल ऐलान कर चुके हैं और हम करते रहेंगे। अब इस कंटेक्स में अगर कोई हुकूमत अपने बंदों के तवज्जो से इंतकामी कार्रवाई पे उतर आए, जो कि परसों आजी जाम अहमद गुरगुनाड़ी का अगवा इसकी एक मिसाल है, ताज़ा मिसाल। और आपको कुछ चीज़ें पहले भी मैं बता दूं कि जब भी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने बलूचिस्तान के मसाइल को उजागर करने के लिए नेशनल असम्बली, सेनेट या सूबाई असम्बली में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया तो उसके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों की इब्तिदा कर दी गई। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम तो कुछ और रो रहे थे कि भाई ग्वादर उसकी जो है ना एक हैसियत बना दे जहाँ पे किसी को भी ये हक ना हो कि वो वहाँ शनाख्ती कार्ड बनवा सके या उसका इंदराज इलेक्टोरल लिस्ट में हो, बल्कि यहाँ तक कि हमने अपने डिस्ट्रिक्ट यानी बेला और केज को भी इजाज़त नहीं दी कि उसकी भी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे ना हो। और इसी के मतलब सोने पर सुहागा तो बल्कि बलूचिस्तान के जजायर भी ये लोग लेके गए। और पार्टी के सदर ने आखिरी तकरीर जो लाहौर में की उसमें उन्होंने इसी चीज़ पे जोर दिया कि भी मैं तो मांग रहा था कि ग्वादर की जो है ना एक हैसियत नहायत ही आज़ादाना हैसियत हो जिसमें मुदखिल कोई ना हो। हालांकि फेडरल गवर्नमेंट की ये कोशिश रही है शुरू से कि ग्वादर को मैं फेडरेशन के कंट्रोल में लूँ और यही चीज़ें उजागर करते रहे हैं मुख्तलिफ जलसों में, जितने भी हमारे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे थे उसमें ये कि कोई ऐसी बात नहीं की जो गैर जमहूरी है। ज़ाहिर ये मेरा जमहूरी हक है, मेरे पार्टी के सदर का जमहूरी हक है कि बलूचिस्तान के जुमला मसाइल को उजागर करते हुए अहले बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करें और उन्हीं नुमाइंदगी नहायत ही एहसन तरीके से पार्टी के सदर ने लाहौर में भी की। और उसके बदले हाजी जाम अहमद गुरगुनाड़ी के अगवा की सूरत में एक तोहफा हमें देने की कोशिश की गई। हम हाजी जाम अहमद गुरगुनाड़ी की गिरफ्तारी की पुरजोर मजम्मत करते हुए ये कहना चाहते हैं कि भाई ये अरबे तो काफ़ी पहले आजमाए जा चुके हैं,
एक पुरअमन बलूचिस्तान जहाँ पे जमहूरी जदोजहद अपने हुरूज पे थी, तमाम मकतब फ़िक्र के लोग सियासी जमातें अपने मुतालबात पेश किया करते थे। अगर इसमें मैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अपने मुतालबात पेश करूँ तो मैं ज़ेर अताब क्यों हूँ? मेरे रहनुमाओं के खिलाफ इस तरह के केसेस क्यों बनते हैं? मेरे रहनुमाओं के करीबी दोस्तों और उसके जो है ना बंदों को अगवा क्यों किया जाता है? और दिन दहाड़े उसके फोटोग्राफिक रिकॉर्ड मौजूद हैं कि जिस गाड़ी में उन्हें अगवा किया गया वो अगवा कुरिंदगा के घर से उसकी तस्वीर भी जो है ना बरामद हुई है और उसके चेहरे साफ जाहिर हैं गाड़ी में बैठे हुए जो उसे अगवा करने की कोशिश कर चुके हैं। और आज वो इतने ताकतवर है नहीं बस, बल्कि उन्हें उन पर दस्त शफकत है किसी की या किसी की जो है ना कहने पे उन्हें उकसाया जा रहा है ताकि एक पुरहमन जालावान जो अक्सर वहाँ पे लोग अपनी जमहूरी हक इस्तेमाल किया करते थे और सियासत न्याय इतनी बेहतर अंदाज में आगे जा रहा था, एक बार फिर कोशिश की जा रही है कि वहाँ के हालात जो है दिगर गो हों, अफरा तफरी हो, खाना जंगी हो, आपस में अकवाम को लड़ाया जाए और अपने कौमों के लोगों को उकसा कर उन्हें सरदार अख्तर मेंगल के ख़िलाफ़ और उसकी पार्टी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। ये कतअन काबिले कबूल नहीं होगा। ये 101-102 बंदे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के शहीद हो चुके हैं इसी जदोजहद में और ये आर न पार्टी का कोई कौमी असम्बली का मेंबर मानेगा, न सूबाई असम्बली के मेंबरान मानेंगे, न सेनेटर कोई मानेगा, न मेरे अहदेदार दाएं बाएं जो मेरे मोहतरमी बैठे हुए नहीं मानेंगे, न अहले बलूचिस्तान इसे तस्लीम करेंगे। ये मेरा आईनी हक है कि मैं और मेरी पार्टी अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते फिरें और मेरा ये भी हक है कि मैं पूरे पाकिस्तान में घूमता फिरता रहूँ और अहले बलूचिस्तान की मुद्दा वहाँ पर पेश करता रहूँ। आज मुझे आप अंदाज़ा लगाएं, क्या मैं ये नहीं कहूं कि ग्वादर में मुझे ग्वादर के अवाम को एक पिंजरे में बंद किया जा रहा है? और वैसे भी पिंजरे आपको तो याद होंगे कि पार्टी के सदर भी तो एक पिंजरे में बंद किए जा चुके थे और अब ग्वादर को मुकम्मल तौर पे एक चिड़ियाघर बना के वहाँ से बाहर के लोग अंदर के लोगों को जो है ना अहवान समझते हुए देखेंगे। हैरानगी की बात यह होगी कि इसी ग्वादर में मौलवी साहब का की मस्जिद अंदर और उनका जो है ना घर आपके जो है ना फैंस यानी बाढ़ के पीछे, वो आने जाने में उसकी तकालीफें नहीं समझते। हमारे रेवड़ खसूसन जो है ना वो चरा गाँव में कैसे जाएंगे, उसके लिए भी स्पेशल परमिट की ज़रूरत होगी। वो परमिट भी मेरे ख्याल में डेढ़ दिन में परमिट मिलता रहेगा। इस वक्त भी माईगीरों की ये हालत है कि मैं खुद जाके मैं ग्वादर में देख चुका हूँ कि वो तकरीबन 10-11 किलोमीटर पैदल जाके साहब के पास जो है ना हाजिर होते हैं। अगर साहब की मर्जी हुई वो निकल आए तो उन्हें एक स्लिप दे देते हैं कि आप शिकार के लिए जा सकते हैं। और हमारे लोग बलूचिस्तान के खसूस मकरान के लोगों को ये पता होता कि शिकार एक ही इलाके में एक टाइम पे नहीं होती, समंदर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शिकारगाहें होती हैं, मुख्तलिफ मछलियों की शिकारगाहें अलग अलग होती हैं और वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जा नहीं सकते। पहले एक ज़माने में आराम से अपनी किश्ती लेके अपना रोज़ी कमाने जो है ना वो निकल पड़ते थे। एक तो वो मुसीबत, अब हमारे लिए दूसरी मुसीबत ये कि ग्वादर को फेंस करवा के यानी बाड़ लगा के दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी अलग किया जा रहा है। अजीब सी बात है कि बहाने क्या है कि स्मार्ट सिटी, सेफ सिटी। भाई स्मार्ट सेफ सिटी आपने इस्लामाबाद भी बनवाया, कई रेड जोन में आपने बाड़ लगवाए, फैसलाबाद में आपने रेड जोन में बाड़ लगवाए, या आपने लाहौर के न्यायती अहम इलाकों में बाड़ लगवाए, क्या कराची में आपने जो है DHA वगैरह बाकी इलाकों को महफूज करने के लिए बाड़ लगाए? ये हमारी किस्मत में क्यों, ये बलूचिस्तान की किस्मत में क्यों जब भी आप जाके इस्तेसाली नौ आबादियाती तर्ज के फैसले किए जाते हैं और इस्लामाबाद के जितने भी फैसले करने वाले लोग हैं उनके फर्स्ट फ्लोर तो खाली है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि ग्वादर है कहाँ। फकत हमारे वसाइल से मुस्तफ़ीद होना, हमारे साहली दौलत से मुस्तफ़ीद होना, यहाँ पे लूटमार के लिए तैयारी और तमाम। और अब मैं डिमांड यही करता चला आ रहा हूँ कि भाई मेरे घर से निकलने वाली चीज़ मेरी नहीं है। न्यायती अहम जखायर इस वक्त दरियाफ्त हो चुके हैं कलात में और इसी तरह डेरा बुगटी और मरी इलाके में,
अब मैं कल हैरान होऊंगा कि उन पाइपलाइंस का रुख एक बार फिर मशरिक की तरफ होगा और मैं, मेरे बच्चे, मेरे भाई से महरूम होंगे, बलोच पश्तून हज़ारा और यहाँ के बलोचिस्तानी उससे महरूम होंगे। मुझे गैस नहीं मिलेगी, गैस मेरे घर से निकलता हुआ बौंजा में गैस निकलने के बाद वो मुझे नहीं मिला, और ये गैस कलात की मुझे नहीं मिलेगी, मरी बुगटी एरिया की मुझे नहीं मिलेगी, और जो है ना, अगर ये मुझे नहीं मिलेगी तो मैं सुबह से शाम तक गुनगाऊँ कि भाई आप बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। 2400-2500 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, मुझे 400-450 जो मेगावाट, ये रोना सुबह से शाम तक। मैं, मेरे पार्टी के नायब सदर, मेरे जो है MPA जो दीगर दोस्त अक्सर कहते चले आ रहे हैं। अब इसकी सलाह मुझे क्या दिया जा रहा है, डिमांड मुतालबात मैं लाहौर के अवाम के सामने पेश करूँ तो ये सीख पा हो जाते हैं, इन्हें तकलीफ़ पहुँचती है, मुल्तान के अवाम को बता दूँ इन्हें तकलीफ़ होती है। आपको तो पता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत कम हमारी बातें जो है ना अवाम तक पहुँचाई जाती हैं, पाकिस्तानी अवाम तक। तो मैं, ये मेरा बुनियादी हक है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया मेरी बुनियादी जितने भी मुतालबात हैं उन्हें पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचा दें, और जब नहीं पहुँचाई जाती तो मैं एहतजाज करने पर उतर आता हूँ। तो इस वजह से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था, आपको ज़हमत देने का मतलब ये था कि कल इस अगवा के बाद हमारी डिमांड थी कि एक घंटे में आप जो है ना गुरगनाड़ी साहब को फौरी तौर पे बाजियाब करके हमें दे दें, और उन्होंने वादा भी किया कि एक घंटे में हम उन्हें रिलीज करवा देंगे। रोड ब्लॉक पार्टी के मैं दोस्तों शुरू में कर लेता हूँ, वड, खुजदार, कलात, मस्तूंग और क्वेटा के दोस्तों को मैंने सबको सलाम करता हूँ कि इन्होंने एहतजाज नहायती सख्त नामसाइब हालात में भी जारी रखा 22-22 घंटे, लेकिन हमें धोखा दिया गया कि एक घंटे के बाद हम उन्हें रिलीज़ करवा लेंगे। अनूस वो रिलीज़ नहीं हुए। अब ला तो लैन से जो है काम लिया जा रहा है कि भाई हम इसे 4 दिन में रिलीज़ करवा देंगे, 10 दिन में करवा देंगे, बरामदगी हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। अब ये काबिल कबूल है नहीं, हमने अपना जमहूरी हक और उनके मुतालबात तस्लीम किए, रोड ब्लॉक्स ख़त्म करवा दिए, बलूचिस्तान के लोगों को जो तकलीफ़ पहुँच रही थी उसे हमने जो है ना ज़ायल करवा दिया, लोगों की आसाइश हमने मुहैया कर दी। अब हम ये ऐलान कर रहे हैं आज कि 2 दिन की मोहलत देते हैं, 2 दिन, 2 दिन में अगर अजी जाम आमद गुरगनाड़ी बरामद नहीं होते तो ये ऐलान हम कहते हैं कि पूरे बलूचिस्तान में मेरे बलूचिस्तानी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के लोग और दीगर पार्टी के लोग तैयार हों कि पूरे बलूचिस्तान में सख्त तरीन एहतजाज किया जाएगा और उसकी इब्तिदा एक बार फिर रोड ब्लॉक से होगी। आपके तवसुत से ये भी हम ऐलान करना चाहते हैं कि तमाम ट्रांसपोर्टर्स 2 दिन के बाद हमारी दरख्वास्त पर अपनी गाड़ियां नहीं चलाएं, पूरा बलूचिस्तान ब्लॉक होगा। अगर वो चलाएंगे तो फिर उसकी जिम्मेदारी हम लेने से कासिर है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और उसकी लीडरशिप से ये गिला नहीं किया जाना चाहिए कि आपने अवाम को तकलीफ दी, और अवामुन्नास जो हमारे जगर के टुकड़े हैं वो हम में से हैं, हमारे दोस्त हैं, उनसे भी हम ये कहते हैं कि 2 दिन के बाद उन्होंने सफ़र करने से परहेज़ करना है, वक्त से पहले, कबल अज़ वक्त हम ये बताना चाहते हैं, ये दरख्वास्त करना चाहते हैं। बलूचिस्तानी हमें बहुत ही ज़्यादा अजीज़ हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी इस वक्त तमाम सियासी जमातों से भी ये दरख्वास्त करती है कि वो इस एहतजाज में हमारा साथ दें, और ये एहतजाज बुनियादी तौर पर जज़ायर की वापसी, ग्वादर में फेंसिंग के ख़िलाफ़ और दीगर इस्तेहसाली अरबों के ख़िलाफ़ थी, और इसके ख़िलाफ़ हमारे दीगर सियासी जमातों ने भी बात की थी। मैं PDM का मशकूर हूँ कि लाहौर के जलसे में उन्होंने बाकायदा ग्वादर में जज़ायर के खिलाफ, मतलब कब्ज़े के ख़िलाफ़ एंड फेंसिंग के ख़िलाफ़ बाकायदा करारदाद पास की, और साथ ही हमारे तकारीर खसूसन पार्टी के सदर अख्तर जान मेंगल ने नहायती खूबसूरती से बलूचिस्तान के मसाइल पेश किए, कोई ऐसी बात नहीं कही कि जो मुतनाज़े थी। ये बातें वो कल भी क्या करते थे, ये बातें हमारे पार्टी के दीगर दोस्त भी क्या करते थे,
हमने भी सेनेट में की है, हमारे MPs भी जो है प्रोविंशियल असेंबली में क्या करते हैं और नेशनल असेंबली में भी हमारे दोस्त क्या करेंगे, और ये सिलसिला जारी रहेगा। तो आपके तवसुत से हम एक दरख्वास्त करते हैं, हम लड़ाई झगड़े के कतअ नाम ही नहीं है, हम किसी के भी मुखालिफ नहीं हैं, हम किसी को भी जो है ना ये नहीं समझते कि हम उससे नफरत करके जो है ना कोई इस तरह की तहरीक चला रहे हैं। हमें अहले बलूचिस्तान से मोहब्बत है, लेकिन शर्त यह है कि अगर मैं और मेरे पार्टी के लोग इस तरह अगवा किए जाएंगे या ज़ेर अताब होंगे या वो तकलीफ़ में होंगे या उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की जाएगी, फिर इसकी तमाम जिम्मेदारी रियासत और रियासत के अदारों पर होगी। सूबाई हुकूमत नाम की कोई चीज़ होती तो इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद होता, अनुसूबाई हुकूमत जो है इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर खामोश है, जैसे कि उसे कोई चीज़ किसी चीज़ का पता नहीं। जैसे कि हमारे आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब से कोई पूछता है कि भाई डॉलर महंगी हो चुकी है, कहता है अच्छा मुझे तो नहीं पता। अभी आप प्राइम मिनिस्टर किस बात की है कि 50 एजेंसियाँ आपको जो है ना बताती हैं, सुबह से शाम तक जो है ना आपको इंतबाह करती हैं, आपको आप तक जो है ना अपनी खबरें पहुँचाती है, आपको ये पता नहीं। तो मैं ये बताऊँ कि ये गुंगे बहरे और अंधे हुक्मरानों को आज ये नहीं पता कि जुल्म और ज़्यादती से नफरत बनेगी। ग्वादर के लोग अगर मुकैद होंगे, कैद में होंगे, वो आपसे मजीद नफरत करेंगे। पहले से मचेरों की आपने हालत ख़राब बना दी है, पहले से आपने ग्वादर में जो ना उनकी शिकारगाहें मुकम्मल तौर पे मछलियों से खाली कर दी हैं, तबाह करवा दिया है उसे, पहले से आपने उन्हें डिसलॉज यानी बेघर किया हुआ है, पहले से वो बेचारे उनकी जो है ना बार बार की चेकिंग खसूसन जो है ना FC और दीगर अदारों की चेकिंग से वो बेजार हो चुके हैं, और एक बार फिर आप उसे जो है ना एक कैद खाने में बंद करना चाहते हैं, आपको मतलूब क्या है? और जब हमने पूछने की कोशिश की तो कहते हैं कि भाई ये आरजी है, ये आपकी GDA की जो है ना मास्टर प्लान का एक हिस्सा था। मैंने कहा या तो हम अंधे हैं या हमने पढ़ा नहीं कि GDA के मास्टर प्लान में जो है इस तरह के प्रोग्राम दिए जाते हैं कि एक एक दिन हम ग्वादर को फेंसिंग से जो है ना मुकम्मल तौर पर दीगर इलाकों से अलग कर देंगे और कुछ अर्से के बाद हम वापस फेंसिंग हटा देंगे। वैसे भी हमारे यहाँ तजुर्बात किए जाते हैं इस मुल्क में जो है ना असली ये जो टाइयाँ पहन के सूट पहन के इस्लामाबाद में आपने देखे होंगे कैसे डिसीजन करते हैं। एक चीज़ का ख्याल करना, इनमें कोई जान है नहीं, इनमें कोई फैसला करने की सलाहियत है नहीं, इनमें जो है ना मोहम्मद वतन के लोगों से मोहब्बत करने की जो है ना सलाहियत है नहीं, फकत कुछ फैसले फेंक देते हैं और हमें इन्वॉल्व कर लाते हैं। और एक शोशा भी इन्होंने छोड़ा था कि जुनूबी बलूचिस्तान, शुमाली बलूचिस्तान, कोई बलूचिस्तान बलूचिस्तान नहीं है, बलूचिस्तान एक बलूचिस्तान है, इसे बांटने की जो कोशिश करेगा वो ख़ुद ख़त्म होगा। हाँ, आप जुल्म कर सकते हैं, आप मार सकते हैं, आप लोगों को रास्ते से हटा सकते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लोग इससे ख़त्म नहीं होंगे, न बलोच ख़त्म होगा, न पश्तून ख़त्म होगा, न हज़ारे ख़त्म होंगे, न बलूचिस्तानी ख़त्म हो, ये तमाम अपने अकीक के लिए इसी तरह सरापा एहतजाज होगी। तो हम आपके तौसुत से मोहतरम तवक्को मैं रखूँगा, आपके अखबारी दोस्तों से, आप लोगों के बहुत सारे जो है कारनामे नियायती एहसन हैं और बड़े अच्छे काम भी आप करते चले आ रहे हैं, आपके दिल में भी वही तकलीफ और जलन है, मुझे अंदाज़ा इसका है, शुरू से आपसे अक्सर आपके तौसुत से हम अपनी बातें पहुँचाते हैं, मुमकिन है बाद अवकात आप पे कोई खदखन बिलवास्ते किसी ऊपर से अगर लगता हो उसके बारे में मैं कुछ नहीं करता, लेकिन मैं तवक्को करूँगा कि आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहायत बेहतर अंदाज में आपके टेलीविज़न पर भी आता रहेगा, हमारे लोग उस पर नज़र रखे हुए हैं और साथ ही प्रिंट मीडिया में, तो ये हमारी डिमांड थी। हाजी जाम मोहम्मद गुरगनाड़ी की रिहाई सरे फहरिस्त 2 दिन में होनी चाहिए, दरख्वास्त करते हैं, ज़ोर से नहीं कहते, दरख्वास्त करते हैं हुकूमत वक्त से कि इसे फौरन अल करवा दें ताकि हम यहाँ पे अमन आश्ती दोस्ती और कुर्बत का माहौल हो, नफरतें ना हो। आपका शुक्रिया। देखिए दो चीज़ें,
پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات اکثر حکمرانوں سے ہی کی جاتی ہے. مقامی انتظامیہ اس وقت بیٹھی ہوئے وہاں پہ, جہاں پہ کمشنر بھی ہے, ڈپٹی کمشنر بھی ہے جسے آپ کے پولیٹیکل ایجنٹ بھی کہتے ہیں, اور باقی ادارے ہیں جس میں جو ہے نا پولیس کی ڈی آئی جی بھی ہیں, آپ کے جو ہے نا دیگر ادارے بھی وہاں پہ موجود ہیں اسلام آباد میں, سوری خوزدار میں. انہوں نے اپروچ کیا ہمارے رہنماؤں سے کہ بھئی ہم آپ یہ کریں کہ احتجاج روڈ بلاک ختم کروا دیں, ہم ایک گھنٹے میں اسے بازیاب کروا دیں گے. یہ وعدے وعید انہوں نے کیے تھے, انتظامیہ نے کی تھی. اور جب انتظامیہ اپنی بات پہ قائم نہ رہے تو قصور میرے پارٹی کا ہے نہیں. اور رہی بات جو ہے نا, آپ نے کہا کہ اسمبلیوں سے ہم مستعفی ہو چکے ہیں, دیکھیں ہم نے اپنے استعفے پارٹی کے صدر کے ساتھ جمع کروا دی ہیں, نوٹڈ. اور اب یہ استعفے اس وقت تک ہم نے نہ اسپیکر کے پاس بھجوائے ہیں نہ جمع کروائے ہیں. جب تک یہ اسمبلیاں ہیں, جب تک یہ اسمبلیاں جو ہے نا قائم رہیں گی, ہمارے استعفے اسپیکر تک نہیں جائیں گے, اس وقت تک یہ اپنا حق ہوگا کہ ہم یہ تمام جتنے بھی جو ہے نا اپنے دیم مطالبات ہیں اسے اسمبلی میں پیش کریں, اور خصوصاً جو ہے نا صوبائی اسمبلی کی بلکہ اجلاس ریکویزٹ کروا کے ہم اپنے مطالبات پیش کریں گے, اس لیے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم اسمبلیوں اور پارلیمنٹ کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں. اس وجہ سے اپنی کوشش یہ ہے کہ جب ہمارے استعفے اسپیکر کے پاس جائیں گے, اس کے بعد جو ہے نا میرے ایم پی ایز حکم ہوگا, میرے ایم این ایز قطعاً اسمبلیوں کا رخ نہیں کریں گے بلکہ وہ اجتناب کریں گے. جی جی دیکھیں جی, میں شروع سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کو تکلیف دینا نہیں چاہتے, عوام ہمارے ہیں, ہم نے پہلے کہا وہ ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں. لیکن احتجاج کے لیے جو نا آپ کے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ہمارے پاس احتجاج قلم کی نوک سے شروع ہوتی ہے آخری حد تک. آخری عدیں کیا ہوتی ہیں, ہم کرتے ہیں کہ اخبارات, سوشل میڈیا, سیمینار, سمپوزیم, پریس کانفرنسز, شٹر ڈاؤن, روڈ بلاک, یہ ہمارے آخری. اور روڈ بلاک سے پہلے ہم اجتناب ریکویسٹ بھی کرتے ہیں, درخواست عوام النام سے کرتے ہیں کہ خدا را آپ اپنی آسانی کی خاطر ان دو دنوں کے بعد آپ سفر سے اجتناب کریں, یہ ان کا احسان ہم پہ ہوگا اور ان کی تکالیف نہیں ہوگی. اب رہی بات تکلیف دینے کی, آپ ایک معاشرے کو مکمل طور پہ جو ہے پراگندہ کر رہے ہیں, وہاں پہ نفرتیں پیدا کروا رہے ہیں, آپ قوموں کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ نیا امن کو جو ہے نا تار تار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے پاس جو ہے نا بندوق تو ہے نہیں, میں بندوق پہ یقین نہیں کرتا, میں جمہوری آدمی ہوں, میں جمہوری جتنے بھی میرے پاس طریقہ کار ہیں انہیں آزماتے ہوئے اس عربے کے توسط سے اپنے مطالبات آپ سے اس لیے منوانا چاہتا ہوں کہ اس میں انتظامیہ کسی نہ کسی شیپ میں شامل ہے, ورنہ کسی کی یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح روڈوں پہ لوگوں کو اغوا کرتا پھرے. جی جی دیکھیں جی, جامع احمد صاحب کی اغوا کل ہوئی ہے, فینسنگ اینڈ ہمارے جزائر پہ قبضہ کرنا, اسے اپنے جو ہے نا نام پہ کرنا, یہ کافی پرانی چیزیں ہیں. اور اس کے لیے یہ جو آج ہماری میٹنگ تھی اور یہ پریس کانفرنس تو فقط جو ہے نا آج جامع احمد صاحب کی جو ہے نا رہائی کے لیے تھی, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے اس لیے وہ دونوں چیزیں پیش کی کہ پارٹی کے صدر اور پارٹی نے یہ موقف اختیار کیا ہوا تھا پاکستان لیول پہ کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ہو رہی. میں ابھی گیس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ابھی بجلی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ابھی دیگر جو ہے نا میرے پاس سے ساحل سمندر کو لوٹا جا رہا ہے ٹرالر سے, اور وہاں پہ مچھلیاں ختم کی جا چکی ہیں, اور صوبائی حکومت مکمل طور پہ جو ہے نا گنگا بن چکا ہے, اندھا بن چکا ہے, اسے جو ہے نا یہ خیال ہی نہیں آتا کہ میں دولت بلوچستان کی اسے بچا دوں. تو میرے پاس جو ہے نا, میں ان تمام کا ذکر کرنے سے رہا, میں فقط یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے مسائل پیدا کرنا چاہتے ہیں, مجھے الجھانا چاہتے ہیں, آپ ایک نئے ون یونٹ کی طرف جا رہے ہیں, آپ مجھے انوالو کرنا چاہ رہے ہیں کہ میری توجہ مکمل طور پہ گوادر پہ ہو, ساحل سمندر پہ ہو, جزائر پہ ہو,
और जब ये बातें मैं मार्केट कर किया करता हूँ या इन बातों से मैं जो है ना आवाम और ना से लोगों को बताना चाहता हूँ, तो आप मेरे ख़िलाफ़ जो है ना तादीबी कार्रवाई करते हैं, आप मेरे लोगों को अगवा करते हैं, मुझे ज़ेर करने की खातिर मुख्तलिफ़ अरबे इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से दो मसाइल उनकी वजह से जो है ये अगवाए हुए हैं। मुमकिन ये भी हैं, मैं ये भी कहता हूँ कि ये भी खदशात मौजूद हैं कि दीगर लोगों को भी अगवा किया जा सकता है, उसे नुकसान पहुँचाया जा सकता है। तो हम आज भी कहते हैं अगर किसी को नुकसान पहुँचा तो हुकूमत वक्त इसकी ज़िम्मेदार है।